हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आस्था एजुकेशन। चलिए आज पढ़ते हैं 15 चैप्टर लाइट, एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 15 चैप्टर लाइट। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर अ रूम थ्रू द नैरो ओपनिंग और अ होल। यू मे हैव आल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प्स एंड स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स और ट्रेन। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम of searchlight from a lighthouse or from an airport tower। आपने देखा होगा कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं, एक छोटी सी रोशनी यदि लाइट की हमें उसमें दिखती है, उस छोटी सी रोशनी से भी कितना कितना लाइट चारों तरफ प्रकाश होता है। देखा है आपने, उसी तरह हेडलैम्प्स, स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स और ट्रेन में भी लाइट लगी होती हैं, जो हमें रात में सफ़र करने में, अंधेरे में देखने के लिए इसीलिए लगी होती हैं। जो बीम होती है ना, एक लाइट की एक छोटी सी किरण टॉर्च में, और उसी तरह क्या होता है, सर्च लाइट जो होती हैं, लाइट हाउस होते हैं एयरपोर्ट पर बड़े बड़े, उनसे भी रोशनी आती है। ये चारों तरफ अपने प्रकाश को फैलाते हैं। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट। आप इस टाइप की आपने चीज़ें देखी होंगी और आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, बताइए। लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा कि लाइट जो होती है ना, एक सीधी रेखा में जाती है। आपने दो डायग्राम देख रहे हो नीचे, एक मोमबत्ती लेकर ये लड़का बैठा हुआ है, मोमबत्ती लेकर इसमें ये सीधी पाइप में से जो देख रहा है, सीधे पाइप में से, तो इसको सीधा प्रकाश, और ये मोमबत्ती जो है ये थोड़े तिरछे पाइप में से देख रहा है, यहाँ से ये तिरछा है पाइप। तो आप ये ऐसा करके भी देख सकते हैं, सीधी रेखा में, सरल रेखा में प्रकाश जल्दी गमन करता है और ये जो 15.2 में जो ए और बी में जो डायग्राम दिख रहा है, इससे पता चलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और अब आगे देखते हैं हम, ये एक 15.1 में लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसी के बारे में एक वो दे रखा है एग्जांपल के थ्रू। अब 15.2 देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब आगे देखते हैं ये होता कैसे है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू द लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस फ्रॉम एग्जाम्पल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग्स इन वाटर। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फेल्स ऑन अ मिरर। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपने देखा होगा कि दिन के समय में यदि हम एक प्लेन मिरर ले लें और उसको हाथ में लेकर किसी भी बिल्डिंग के सामने खुले में खड़े हो जाएं, धूप, अब आगे किसी दिन के समय में धूप को इस मिरर पर आने दे, अपन आप उस मिरर पर आने दे, देखा होगा आपने, किया होगा ये। अब क्या करते हैं, मिरर को इस तरह घुमाइए कि जो लाइट का एक धब्बा उस बिल्डिंग की इमारत की जो दीवार पर पड़े, और इमारत की दीवार पर ये जो प्रकाश का पड़ता है, ये बनता है सूर्य के से आने वाले प्रकाश को जब समतल दर्पण पर गिरता है, तो दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ये क्या कहाँ कहाँ होता है परावर्तन? किसी शाइनिंग स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो, चम्मच हो, कोई भी शाइनिंग सरफेस होता है ना, तो उसमें जब भी सूर्य का प्रकाश सामने से आकर पड़ता है और अपनी दिशा बदल देता है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट इज मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन। आपने 6 क्लास में पहले ही आपने देखा होगा कि जो मिरर पर प्रकाश डालते हैं तो अपनी लाइट अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाई अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी प्रकाश को
मिरर पर डाला जाता है और वो यदि अपनी दिशा चेंज कर ले, डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? लेट अस परफॉर्म अ सिमिलरली एक्टिविटीज़। आप ये ऐसी एक्टिविटीज़ आपको भी याद भी आ रही होगी और आप ये करके देख सकते हैं। टेक 15.1 देखिए ये एक्टिविटी। टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 स्लिट्स एज सोन इन अ फिगर 15.5, स्प्रेड अ सीट ऑफ चार्ट पेपर। एक ये देखिए आपने आगे, ये इसमें देखिए आप, ये आपने मिरर, ये जो पानी भरा हुआ कहीं भी देखते हैं अपन, हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो हमें वो उसमें देखने लगता है। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी होता है वो भी एक तरह से मिरर का काम ही करता है। आप देखिए एक टॉर्च ले रखी है, टॉर्च में यहाँ पे 3 स्लिट्स निकल रही हैं और एक ये मिरर पर उस पर डाल रहे हैं अपन, तो ये प्रकाश का देखो जा रहा है और प्रकाश पर लौट के हमें वापस आ रहा है। यानी कि प्रकाश मिरर पर किसी प्रकाश को डालने पर वो अपनी दिशा का चेंज कर लेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके चिल्ड्रन, अब एक ये डायग्राम देखिए आप। जब हम मोमबत्ती जो किसी प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर पर सामने रखी हुई वस्तु का सीधा और सही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब ये देखिए राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू? जब आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो एग्जैक्टली आपकी तरह ही दिखता है वो। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर? लेट अस फाइंड आउट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं हम, इसको फाइंड भी करते हैं। एक्टिविटीज 15.4 की से स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। Rise your left hands. Which hands does your image rise? Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। आप हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं। यदि आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं और मिरर में देखिए कि मिरर में कौन सा हैंड ऊपर हो रहा है। यदि आप अपने एक राइट ईयर को टच करते हैं तो मिरर में देखिए कि कौन सा ईयर टच हो रहा है। तो इसको बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड दैट इन मिरर द राइट अपीयरेंस लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयरेंस राइट। आप देखेंगे कि मिरर में जो हम अपना लेफ्ट करते हैं वो राइट दिखाई देता है और राइट करते हैं तो वो लेफ्ट दिखाई देता है ना। नोट द ओनली साइड आर इन इंटरचेंज द नेम इज डज नॉट अपीयर अप साइड डाउन। नाउ राइट डाउन योर नेम on a piece of paper and hold it front of plain mirror. How does the appearance? आप एक पेपर में अपना नाम लिख कर देखिए और मिरर में देखिए तो ये आपको उल्टा दिखाई देगा। ओके चिल्ड्रन, देखिए आपने एम्बुलेंस में भी देखा होगा, एम्बुलेंस में कई बार उल्टा लिखा हुआ होता है ताकि जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें ये सीधा दिखाई दे। तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ल्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज अ फिगर 15.9 है ना। वैन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल्स अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक इन द हर हिज रेयर व्यू मिरर सी ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एट गिव अवे और टू इट। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। इसका मतलब ये है कि एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखते हैं ताकि जो भी दर्पण आगे गाड़ी वाड़ी निकल रही हैं उनमें ये देखें तो उनको सीधा दिखाई दे और उनको वो साइड देते हुए, क्योंकि ये सबकी ड्यूटी होती है ये कि जो एम्बुलेंस में प्रॉब्लम में है जो व्यक्ति उसको आगे जाने दें, एम्बुलेंस को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। You might have observed that it is side mirror and a scooter or a car image is all object appear smaller than the object themselves. Have you ever wondered why it is so? आपने देखा होगा कि आपने स्कूटर कार्स के जो साइड मिरर लगे होते हैं उनमें छोटे दिखाई देते हैं, सारी पीछे की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। ये सोचा होगा, सोचा है कि कैसे होता है, छोटा कैसे दिखाई देता है।